स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समाचार लेखन की उन संपूर्ण जानकारी के बारे में, संपूर्ण तत्वों के बारे में कि किस तरह से समाचार लेखन किया जाता है, उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखकर समाचार लेखन किया जाता है, और वो सारे बिंदु जो आपके उत्तर के आधार बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत चर्चा करें, या इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं आपके, या और भी आधार हैं प्रश्न के बनने के। बहरहाल हमें समाचार लेखन पे जानकारी को जुटाना है, तो समाचार तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया में समाचार लेखन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार लेखन के आधार पर ही समाचार पूरा ब्यौरा टिका हुआ है जो प्रकाशित होता है और पाठकों तक जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि समाचार लेखन अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी वाला कार्य है। समाचार लेखन की शैली, विशेषता, उसकी बुनावट आदि पर ही समाचार पत्र की सफलता आश्रित है। अब आप यह समझिए कि किसी भी समाचार के मुख्य तीन हिस्से होते हैं। पहला शीर्षक, फिर उसका परिचय या आमुख, फिर मुख्य कलेवर। तो समाचार का शीर्षक तो प्रायः समाचार बन जाने के बाद ही दिया जाता है। शीर्षक के बाद स्थान, समय और सूचना के स्रोत का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद समाचार आरंभ होता है। इस समाचार के दो हिस्से होते हैं, एक इंट्रो या लीड या आमुख भी कहते हैं उसे, और दूसरा समाचार का मुख्य कलेवर, यानी जब समाचार शुरू होता है तब शीर्षक के बाद जो दूसरा प्रमुख हिस्सा होता है वो आमुख का और मुख्य कलेवर का होता है। तो आपको अपने उत्तर की शुरुआत में यही बातें लिखनी है कि समाचार लेखन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और दायित्व भरा काम है, और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि पहले हम समाचार के मुख्य हिस्से समझते हैं, और जब तक मुख्य हिस्सा नहीं समझेंगे हम समाचार लेखन किस आधार पर करेंगे। तो शीर्षक के बाद सबसे पहले बात होती है इंट्रो या आमुख की। प्रत्येक समाचार के आरंभ में 3-4 पंक्तियों में उस समाचार का सार दे दिया जाता है, सार अर्थात निष्कर्ष दे दिया जाता है, जिसमें उस समाचार की मुख्य वस्तु का उल्लेख होता है। कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों का जवाब इसमें मिल जाता है। तो समाचार के इस अंश को इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन का हिस्सा या लीड कहा जाता है, जिसमें आधारभूत जानकारी मिल जाए समाचार के बारे में। शेष समाचार इसी आमुख इंट्रो का विस्तार होता है, ठीक है, अर्थात कि इसी का विस्तार हमें प्राप्त होता है समाचार के रूप में। तो समाचार लेखन में इंट्रो का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे समाचार पत्र पढ़ते समय ही 3-4 शब्द में या उसका किसी कॉलम में या ब्रैकेट में थोड़ा सा दिया रहता है, वहाँ से आप समझ जाते हैं कि हम मूल कहानी क्या है, फिर जिज्ञासा बढ़ती है पाठकों की, तो वो इन सारे कहानियों को, घटनाओं को और गहराई से विस्तार से पढ़ने के लिए प्रमुख उद्देश्य आते हैं। तो ये इनके भीतर इच्छा जागती है, क्योंकि समाचार की ये लीड पंक्तियाँ पाठकों को संक्षेप में पूरी सूचना दे देती हैं। हो सकता है कि कुछ पाठकों को समाचार पूरा पढ़ने का अवसर ना हो, वह इन आरंभ की पंक्तियों को पढ़कर ही ये संपूर्ण ब्यौरा और जानकारी ले लेते हैं कि समाचार का सार क्या है। अगर उसकी उत्सुकता बढ़ती है तो वो पूरा समाचार भी पढ़ लेते हैं। तो आमुख लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें घटना या गतिविधियों के पांचों पक्षों का उत्तर मिल जाए। अब ये पांच पक्ष क्या क्या होते हैं, पांच पक्ष यानी घटना कब घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, इन सारी चीज़ों की जानकारी, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमारा बिंदु है इस उत्तर का समाचार की निरंतरता। तो जब हम समाचार लेखन कर रहे हों तो ये आवश्यक है कि जब लेखन के समय उस विषय की निरंतरता बनी रहे, ये समाचार लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। एक समाचार में एक तरह की निरंतरता होती है घटना के, और घटना के बारे में किस तरह से घटी, कौन लोग किस तरह से प्रभावित हुए, तमाम चीज़ों की। तो समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना जरूरी होता है। यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके बिना समाचार न तो पूरा होता है न ही इसका महत्व स्थापित होता है। अब बात करते हैं मुख्य कलेवर की। तो समाचार का मुख्य कलेवर वह हिस्सा होता है जो आमुख के बाद विस्तार से लिखा जाता है। आमुख तो यानी वो
संक्षिप्त परिचय जो आपको एक समाचार के बारे में रुचि जागृत कर रहा है चंद शब्दों के माध्यम से। अब वो रुचि जागृत हुई, आप समाचार को विस्तार से पढ़ने के लिए जागरूक हुए, अंदर से जिज्ञासा हुई, तो वो पूरा संपूर्ण ब्यौरा जो समाचार बनता है वो हो गया मुख्य कलेवर। इसमें वे सारी सूचनाएं दी जाती हैं जो समाचार पत्र अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन संवाददाता द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं या संवाद समितियों द्वारा प्राप्त समाचार में आवश्यकता से अधिक सूचनाएं हो सकती हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि समाचार लेखन तो आप कर रहे हैं, लेकिन समाचार लेखन के समय ना बहुत सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। जैसे फील्ड में जो रिपोर्टर है वो बहुत सारे तथ्य दे गया है, संवाद समितियां बनाई जाती हैं वो बहुत सारे तथ्य रखे रहते हैं, तो यहाँ पर आवश्यकता से अधिक सूचनाएं हो सकती हैं। यह भी संभव है कि उनमें आपस में तारतम्य ना हो, यानी जो सूचनाएं जो तथ्य हमें एक घटना से प्राप्त हो रहे हैं उसमें थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी, विरोधाभासी चीज़ें भी आ सकती हैं। उनमें से कई सूचनाएँ गैर जरूरी हो, कई सूचनाएं अधूरी हो, उन्हें समाचार का रूप देने के लिए उस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। इसीलिए समाचार लेखन के लिए या समाचार लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात जब सूचनाएं उपलब्ध आती हैं, लेखन करने वाला व्यक्ति जब लेखन करने बैठा है तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं। कुछ जानकारी अधूरी है, कुछ के बारे में श्योर नहीं है, कुछ के बारे में सशंकित है, कुछ चीज़ें जो है क्षेत्र विशेष पर आधारित हैं, तो विरोधाभास भी उत्पन्न कर सकती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे जो लेखन के लिए आवश्यक है। पहला बिंदु देखिए, समाचार लेखन आरंभ करने से पहले आप अपने तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। जब आप जांच कर लेंगे तो आपके पास एक निश्चित तथ्य होगा जिसके आधार पर समाचार लेखन कर सकेंगे। तो अगर आपने स्वयं तथ्य इकट्ठे किए हैं तो उनकी सत्यता जरूर जांच लें, यानी अगर आपने स्वयं किया है तो वो कितना सत्य है, घटना जिस क्षेत्र में घटी है या जिस भी उसका आधार है उस पर वो पूरी तरह से खरी उतर रही हो। अगर आपने किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार प्राप्त किया है तो उसका हवाला दीजिए। जैसे आप देखते होंगे कि जब कभी भी आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जब वो प्रसारण करते हैं तो कहीं कहीं लिखा मिलता है सौजन्य फलना चैनल से, तो ये जब हवाला देते हैं कि ये जो जानकारी है मूल उस स्रोत से मिली है, तो यह भी समाचार लेखन का या फिर लेखन में कर रहे हो या वीडियो प्रसारण में कर रहे हो यह बहुत आवश्यक होता है, तो इसकी जानकारी दी जाती है। अब दूसरा बिंदु है, समाचार लिखने से पहले उन सूचनाओं और तथ्यों को अलग कर दीजिए या काट दीजिए जो महत्वहीन हो। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लेखन गलत दिशा में जा सकता है। तीसरा बिंदु है, बचे हुए तथ्यों में तारतम्य बैठाइए। तारतम्य मतलब एक सीक्वेंस बैठाइए और उन्हें एक निश्चित क्रम दीजिए ताकि समाचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। यानी एक तो तारतम्यता अर्थात एक बात दूसरे बात से जुड़ी हो, उनका लिंक अच्छे से स्पष्ट हो, उसका क्रम अच्छे से, सीक्वेंस अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए। चौथा बिंदु, इस पूरे समाचार के केंद्रीय मुद्दे या सबसे महत्वपूर्ण बात को चुनिए और उन्हें इंट्रो के रूप में लिखिए और इसी से शीर्षक बनाइए। अब देखिए, आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है शीर्षक या समाचार लेखन के साथ और भी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं इसी समाचार लेखन के अंतर्गत सारी चीज़ें पूरी हो जा रही हैं। अलग से शीर्षक कैसे दिया जाता है इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से पंक्तियाँ निकाल सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को शॉर्ट कर रहे हैं समाचार लेखन के संदर्भ में, तो सबसे पहले इस पूरा समाचार का केंद्र क्या है यह आप निकाल लिए। इसी से आपका इंट्रो बनेगा, आप 10 पंक्तियों में या 10 शब्द में या किसी भी तरह से इंट्रो तैयार कर रहे हैं, उस इंट्रो के आधार पर ही शीर्षक बनेगा। तो ये काफी आकर्षक लेखन के बिंदु हैं। अब पांचवा बिंदु की बात करें तो समाचार को निष्पक्ष होकर लिखिए। निष्पक्षता आवश्यक है, तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत, परंतु समाचार पत्र की दृष्टि या अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपके समाचार पत्र की या आपकी अपनी अलग से पहचान बने जिसे आपको बरकरार रखना है।
यानी आप तथ्यों को तरोर मरोड़ के पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी शैली, आपके समाचार को प्रस्तुत करने में वो तरीका हो जो आपको एक समाचार लेखन के रूप में स्थान, समाचार लेखक के रूप में स्थान दिलवाता है, आपकी अलग से पहचान बन सके, वो दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे कि हाँ इस घटना से ये बात निकल रही है, इसका ये महत्वपूर्ण अंग है, या इस तरह से इसकी और शाखाएं निकल के आ रही हैं विचारों की। तो ये सारी चीज़ें लिखने से समाचार लेखक की अपनी पहचान बनती है। छठा बिंदु, समाचार को सरल और सबकी समझ में आ सकने वाली भाषा में लिखिए, क्योंकि लोग समाचार एकाग्र होकर पढ़ें यह जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है समाचार लेखन की, आपको समाचार लेखन में भाषा पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कठिन भाषा लिखेंगे तो वो हर किसी के समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं शीर्षक देना। शीर्षक देने में क्या काम जरूरी चीज़ें होती हैं। समाचार का शीर्षक देना समाचार लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर समाचार का आमुख आपने सफलतापूर्वक लिख लिया है तो शीर्षक देना मुश्किल नहीं होता है। अब वो महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र देखिए जो कि आवश्यक है शीर्षक देने के क्रम में। शीर्षक समाचार के केंद्रीय भाव को व्यक्त करे या मुख्य मुद्दे को सामने रखे। दूसरा बिंदु, शीर्षक ऐसा हो जो शेष समाचार को पढ़ने के लिए उत्सुकता पैदा करे। तीसरा बिंदु, शीर्षक में कही गई बात समाचार द्वारा पुष्ट हो। ऐसा नहीं हो कि शीर्षक किसी अलग भाव को प्रकट करे और समाचार किसी अलग भाव या बात को, तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। शीर्षक छोटा परंतु स्पष्ट अर्थ देने वाला हो। ये शीर्षक देने के समय में महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए समाचार का संपादन। सबसे पहले तो समझिए कि आप पढ़ रहे हैं समाचार लेखन, लेकिन संपादन, शीर्षक देना, समाचार की भाषा, ये सब कुछ समाचार लेखन के अंतर्गत ही आता है। आप इसे दरकिनार करके समाचार लेखन का आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार के संपादन की प्रक्रिया लगभग एक सी होती है। समाचार प्रकाशन से पूर्व संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन और संपादन का कार्य एक साथ होता है और कई बार अलग अलग। ये निर्भर करता है, क्योंकि संपादन में वही देखा जाता है कि भाषा कैसी है, उसको लिखा कैसे गया है, उसको सजाया किस तरह से गया है, किस पृष्ठ पर है। लेखन के समय जो जो चीज़ें, जो जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान दी जाती हैं, लगभग संपादन में भी उतनी चीज़ें होती हैं। और कहीं कहीं किसी किसी अन्य अलग अलग मैटर में वो शैली जो है बदल जाती है, लेकिन लगभग एक है। अब बात करते हैं समाचार की भाषा की। तो समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, और यह याद रहना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान मामूली सा हो सकता है। उन्हें बहुत अधिक भाषा की जानकारी ना हो, एक मामूली ज्ञान हो। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है आंखें अक्षर को देख रही होती है लेकिन मस्तिष्क उस अक्षर की अर्थ गंभीरता को नहीं ले पाता है, ऊपर ऊपर जिसे हम कहते हैं कि न्यूज़ पढ़ना। लेकिन कभी कभी पाठक सजग भी होता है, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि समाचार लेखन के दौरान जब वो प्रकाशित हो के पाठकों तक पहुँचेगा तो हर पाठक उसी सजगता से समाचार को पढ़े, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है उसे दफ्तर जाने की जल्दी हो, या जो गृहिणी है उसे घर का काम करना हो, बस या रेल में बैठकर शोर शराबों के बीच भी अखबार पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सारी परिस्थितियों को ध्यान रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है, ताकि पाठक समाचार में कही गई बात को पढ़ते ही समझ जाए। अर्थात पाठक किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए समाचार की कि वो शीघ्रता से समझ ले, आसानी से समझ ले, और उसका परिवेश उस समाज को, समाचार को समझने में बाधक ना बने। यानी समाचार लेखक का ही यह दायित्व है कि वो भाषा को इतना आसान, इतना सरल कर दे कि पाठक चाहे दौड़ते हुए अखबार कर पढ़े, या बस में यात्रा करते समय पढ़े, या काम निपटाते निपटाते एक नज़र मारे, या दफ्तर को निकलते समय चाहे कि चुस्कियों के साथ ऊपरी ऊपरी नज़र से वो देखे, हर स्थिति में समाचार उसके जहन में बैठ जाए। ये महत्वपूर्ण बात है।
अब समाचार की भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो देखिए। समाचार लेखन की भाषा में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हो। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, छोटे और सरल वाक्य बनाइए, जटिल और लंबे वाक्यों से बचिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आम जनता में प्रचलित हो, कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचिए, कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचिए। अब देखिए, पारिभाषिक शब्द उसी को कहते हैं वैसे शब्द जिसकी परिभाषा अलग से देनी पड़े, जैसे किम कर्तव्य विमूढ़। अब किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ क्या है, तो इसको व्याख्या करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे कि कठिन शब्द है, ये एक आसान है, कठिनता बतलाती है, इसका भाव सभी लोगों के अंदर बसा हुआ है, तो ये एक आसान शब्द है। तो इसी तरह से जब आप समाचार लेखन कर रहे हो तो उसकी भाषा में कठिन पारिभाषिक शब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन समाचारों में आम तौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। यानी समाचार में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले वैसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। यानी निर्भर करता है समाचार की शैली क्या है, किस आधार पर समाचार है, उस आधार पर आप अपने नियमों को आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श कर सके। अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हों तो उसे ऐसी भाषा में बांधिए जिससे सारा घटना चक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए और लोगों के हृदय को छुए। अर्थात जब जैसे एक मान लीजिए कहीं पर किसी जगह डकैती हो गई है, तो जब घटना मिली है या चोरी हो गई है तो उस घटने का विवरण पूरा कि कब किसने देखा, या आप सुनते होंगे कि चोरी के समय वारदात पर ही कुछ लोग लोहा ले लेते हैं चोरी करने वालों से, चोरों से, और उसे डट कर भिड़ते हैं और वो अपने चोरी हो रहे सामान की रक्षा भी कर लेते हैं। तो ये घटनापूर्ण जानकारी कब कहाँ कैसे कितने मिनट टू मिनट वो डिज़ाइन किया जाता है, वो लेखन का हिस्सा होता है। इन्हीं सारी बातों की यहां जरूरत है ध्यान देने की। भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लीलता और फूहड़ता भाषा में ना हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, और ये अगर ठेस पहुंचती है तो ये अपमानजनक है। इसीलिए लेखन के समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद की भाषा को हिंदी के रूप में ढालिए, क्योंकि जब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्र जिस भाषा में निकल रहा है, अगर हिंदी भाषी पत्र समाचार पत्र है तो वहाँ पर हिंदी भाषा के नियमों को थोड़ा देखना होगा ध्यान से। और अगर किसी अलग भाषा में निकल रहा है, निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में उस बोली में या उस भाषा में पढ़े जाने वाले पाठकों की संख्या कितनी है। बहरहाल किसी भी भाषा का समाचार पत्र हो उसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप उस भाषा के अनुरूप ही तमाम चीजों को बांधें और लेखन प्रस्तुत करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि समाचार लेखन के सूत्र जानना आवश्यक है, और समाचार लेखन के सूत्र हैं छह ककार। यह छह ककार क्या है, तो समाचार लेखन के लिए जो तथ्य जुटाने होते हैं उनमें छह ककारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए, ये छह ककार क्या है जो समाचार जुटाने के सूत्र बनते हैं। पहला क्या, दूसरा कहाँ, तीसरा कब, चौथा कैसे, पांचवा कौन, और छठा क्यों। यही छह ककार, देखिए ये सारे शब्द क से ही शुरू हो रहे हैं इसलिए ककार कहा जा रहा है। तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्यों, इसके परिणाम जिन जिन लोगों को स्पर्श कर रहे होंगे, प्रभावित कर रहे होंगे, तो वहाँ पर अब पूछा जाता है घटना क्यों घटी, कैसे घटी। यही छह ककार हैं जो समाचार लेखन के महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में उभरते हैं। आपको अपने उत्तर में इसका जिक्र करना अनिवार्य है। प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रकार एडविन एल शूमैन ने 1894 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में इन सूत्रों के विषय में चर्चा की है। वहां इन सूत्रों को 5W
1H अर्थात देखिए व्हाट वेयर व्हेन हु व्हाई एंड हाउ के आधार पर 5W थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन सूत्रों का पहला अक्षर क से आरंभ होता है, इसलिए इन्हें छह ककार भी कहा जा रहा है। तो इन छह ककारों में किसी भी समाचार से संदर्भित सभी उत्तर समाहित होते हैं। घटना क्या है, कहाँ घटी है, कब घटी है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है, घटना का कारण क्या है और घटना कैसे घटी, इन सवालों के जवाब न केवल एक समाचार लेखन की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं, अपितु इन सूत्रों के आधार पर लेखक जो तथ्य जुटाता है वे समाचार पाठकों के मन में भी समाचार के विषय में जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। यानी इन छह ककारों के आधार पर जब समाचार जुटाया जाता है और उसका लेखन केंद्रित किया जाता है तो वो पाठकों के हृदय में समाचार के प्रति जिज्ञासा भी बढ़ाता है। यही है समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी चर्चा इस वीडियो में पूरी हुई। तो उम्मीद है समाचार लेखन से संबंधित वो तमाम बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो में पूरी हो चुकी है, आप लाभान्वित होंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।